साथ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अभी उन्होंने एक स्पीच दिया है कि जो आरक्षण को लेकर जो बहुजन समाज है उसके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। सर, आप लगातार 3 टर्म से मिनिस्टर्स हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, कहाँ लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है? मैं इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, इसके कारण ये कठिनाई होती है। देखिए, व्यवस्था संविधान के अंदर है, रिजर्वेशन देना है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और हमारा अगर नियत साफ है तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। और इसलिए हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि वास्तव में कमी यहाँ पर है, कि हमको भी इसके लिए इसी लेवल पर प्रयास करके इस प्रकार की समस्याओं का समाधान केवल बातचीत से हम इसको कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर जो हमारा जो अनुभव आया है, और इसलिए मैंने कहा कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो हर स्टेज पे हम कोई निर्णय करते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक होता है। मैंने बहुत नीचे तक गया। वैसे जब आप कह रहे थे 13 पॉइंट रोस्टर पर आपकी अहम भूमिका थी, आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी बोला, कैबिनेट की मीटिंग में भी बोला, और हाँ मुझे पता है आपने बोला, लेकिन आप ही ने बताया है कि जैसे ही वो बिल आ रहा था, भर्तियाँ शुरू हुई, गोरखपुर में भर्ती के मामले आ रहे हैं, स्टेट वाइज जो भी BPSC UPSC का इलेक्शन जो वैकेंसी जा रही है उसमें रिजर्वेशन नहीं खत्म हो रहा है निकाल, तो क्या ये स्टेट वाइज गलतियाँ हो रही है या ब्यूरोक्रेसी की गलती है या क्या है? देखिए, बहुत ऐसे जो लोग हैं, जब ये बिल वास्तव में आया तो जब बिल आ गया, इसका कानून बन रहा है, संविधान में संशोधन हो रहा है, तो इस प्रकार के अगर कोई नियम बन रहे तो उस नियम का क्रियान्वयन होना चाहिए। नियम बनने के पहले हम उस समय नहीं किए, पर तत्काल उस समय इमीडिएट करना ये ठीक नहीं है। और इसलिए इस बात का संकेत है जाता है कि मैंने कहा कि भाई अब कानून बन गया, इस कानून का खिलाफ में अब कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, ये भी मैंने कहा। तो कहाँ से दिक्कत हो रही है सर, ब्यूरोक्रेसी से दिक्कत हो रही है या लीडरशिप से दिक्कत हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि इच्छा शक्ति पर इसका निर्भर करता है, क्योंकि हर स्टेज अलग है। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय वो अपनी एक संस्था है, एक इकाई है, नीचे स्टेटों की है, राज्य सरकार है, ये सब तरह इस प्रकार की स्थिति है। और इसलिए अलग अलग जो यूनिट है, अलग अलग इकाई है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी जिम्मेदारी हर इंस्टीट्यूशंस की है, ये बात होना चाहिए। क्योंकि कानून एकदम नया आया, उस समय आया तो हल्ला तो सब लोग कर दिए, परंतु जब कानून बना तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है कि जब कानून सामने आ रहा है तो आदमी को थोड़ा धैर्यता से रुकना चाहिए। उस समय ये बात आई, क्योंकि मैं इसी विश्वविद्यालय के अंदर देखा कि इसको कैसे रोका जाए, ये इस प्रकार के विषय आए थे। मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, पर बाद में जब मैंने बातचीत किया तो वो अभी यथास्थिति बनी। कुलसी साहब, एक छोटा सा और सवाल है, सरकार आपकी है, 20 राज्यों में लगभग आप लोग की सरकार है, आरक्षण के साथ सबसे बुरा व्यवहार और बर्ताव हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने किया है, मैं तो इसलिए 3 बार का मैंने अनुभव किया। मैंने अटल जी के समय भी बहुत बड़ा फैसला हमने उस समय भी किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, बीच में भी इस प्रकार की स्थिति आई तब भी हमने किया, मैं कमेटी में भी रहा तब भी इस प्रकार के निर्णय। तो ये देखिए एक प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन कराने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को खुद कहा, उनने कहा कि नहीं, ये इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकते, हम स्वयं इस बात प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं OBC हूँ, आरक्षण मेरे जीते जी कोई नहीं हटा सकता, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे देखे तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले चल रहे हैं, गोरखपुर में भर्ती। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि हम रिजर्वेशन पे कोई इस प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साफ एक शब्द में उनने पहले भी कहा, आज भी, तो हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं शुरू से रहे। और इसके कल तो भर्तियों में तो गड़बड़ी हो रही है, थोड़ी प्रधानमंत्री जी हर जगह ये थोड़ी करेंगे, एक बार कोई चीज को अगर उन्होंने कह दिया सर कहां से गड़बड़ी हो रही है? देखिए, ये बातें आप लोगों को, ये फग्गन सिंह कुलस्ते थे जो रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही है, अभी एक बैठक हो रही थी सोशल जस्टिस को लेकर, जल्दबाजी में सवालों से लोग बचते हैं, कतराते हैं, लेकिन जो सरकार अभी चल रही है और जो लगातार स्टेट में जो वैकेंसियाँ हो रही है, आज की रिपोर्ट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो लगभग आरक्षण जो है वो खत्म होने के कगार पर है, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के मंत्री हैं वो बात जरूर करते हैं कि वो रिजर्वेशन बचाना चाहते हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो आरक्षण बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर जब आप बात करेंगे एक पत्रकार के तौर पर, सवाल जब आप पूछना शुरू करेंगे, तो इस सरकार में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, या जो भी मंत्री हो SC ST OBC कैटेगरी से,
वो साफ साफ कहने से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार कैसे चल रही है, इस सरकार का कमांड किसके हाथ में है, और हम और आप सब जानते हैं कि इस देश में आरक्षण के विरोधी लोग कौन हैं और सरकार किन की चल रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अच्छे से सब कुछ समझते भी हैं। मेरा काम है नेताओं से कम सवाल पूछ लेना, अब उसके लिए भी मौका बहुत कम है। अगली बार नेता आपको अपने पास फटकने भी नहीं देगा। तो ये तमाम खतरे उठाते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो हक हैं उसकी बात आप तक पहुंचाता रहूं। मैं इस समय कंस्टिट्यूशन क्लब में हूं, और जहां बी द पीपल संगठन ने एक आयोजन किया था जिसमें एससी एसटी ओबीसी के सांसद जो हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन वो शामिल हुए थे। अनुप्रिया पटेल मेरे साथ हैं, उन्होंने कुछ बड़े मुद्दे उठाए हैं, खासकर जो बहुजन आइकॉन है उसके सम्मान को लेकर, और आरक्षण से जुड़े एक दो सवाल है जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि वो लगातार पार्लियामेंट में बोलती रहती हैं। मैम, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, खासकर बिहार से और दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे आरक्षण वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी उनका इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। किस चीज़ के इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं? जो बीए ग्रेजुएशन में जो दाखिला हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स को भेजिए, उनका कोई विषय है तो मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर बात कर लूँगी, आई विल रिजॉल्व इट। लेकिन इस तरह की सारी अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फॉर्म आए हैं, कोई भी देखिए, अभी राज्यपाल को, राज्यपाल ने खुद खत लिखा है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम मिनिस्टर्स को जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी का कोई भी विषय हो आप सीधे हमारे पास लेकर आइए, हम उनको लेकर जाएंगे, उनको मंत्री से मिलवाएंगे, उनकी समस्या हल करवाएंगे, यही तो हमारा काम है, हम लोग सांसद हैं। अभी यूपी में राज्यपाल ने खुद एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, जिसमें ओबीसी को 130 नंबर था और जनरल कैटेगरी को 103 नंबर, और ओबीसी वाले को हटा दिया गया। मुझे जानकारी नहीं है इस विषय की, मेरे जानकारी में आएगा तो मैं स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री से बात करूंगी। क्या लग रहा है कि मतलब ये इस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो आरक्षण के मामले को लेकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आप यूपी से हैं, वहाँ जो भर्तियां हुई है अभी, जबकि 13-point रोस्टर को निरस्त कर दिया गया है, 200-point रोस्टर इम्प्लीमेंट भी हो गया। मैंने आपसे सीधे कहा, किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई भी विषय है आप हमारे संज्ञान में लाइए, मैं स्वयं जाके मिनिस्टर से बात करने को तैयार हूँ, आई एम अश्योरिंग यू, आप लेकर तो आइए। तो ये अनुप्रिया पटेल हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई भी मुद्दा हो तो आप हमसे सीधे मिल सकते हैं और उसे हम मंत्री और पार्लियामेंट में उठाएंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।